हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति का। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कृते, उच्चारण करिए। फुल्लोत्पलम, अवलंबे, पकत्वा, कंबुग्रीव, आवाभ्याम, बक्षिष्यामे, उक्तवान, हृदयम, सुहृदयाम, बहुभ्याम, उड़ीयते, भ्रष्ट। तो उच्चारण हमें संस्कृत में एकदम से सही से करना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक है पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुर्मश्य किम नामे आसीत। कुर्मश्य कछुआ, कुर्मश यानी कछुआ, कछुए का क्या नाम था? कछुए का क्या नाम था? कंबू ग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे यानी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे कौन आया था? धीवरा, मछुआरे। तालाब के किनारे कौन आया था? मछुआरे। कुर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कुर्मे यानी कछुआ, कछुआ केन मार्गेण कौन से मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य जगह किसी और जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। तो कछुआ कौन से मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। नेक्स्ट है लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम यानी लटके हुए, कुर्म है कछुआ, दृष्ट्वा देखकर, के अधावन कौन दौड़ा? लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ा था? पोरा, पोरा यानी गांव के लोग, गवाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति लिखते। अधोलिखित नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किसको कहे, किसने किसको कहे, यह लिखना है। कम कथयति किसने कहा, कम प्रति कथयति किसके प्रति कहा, किसको कहा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। अहम, अहम मतलब मैं, भवद्भ्याम आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। किसने कहा था? कुर्मे कछुए ने। किसको कहा? हंसों प्रति, हंसों को, दोनों हंसों को। अत्र क्या उपाय है? अत्र इसका, इसका क्या उपाय है? ये किसने कहा? हंसों, दोनों हंसों ने कहा। किसको कहा? कुर्मम प्रति, कुर्म कछुए को। अहम उत्तर न दास्यामि। अब अहम, अहम मतलब मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, ये किसने कहा था? कुर्मे यानी कछुए ने। किसको कहा? हंसों प्रति, दोनों हंसों को। नेक्स्ट है यूयम भस्म खादत, तुम तो राख खाओ, ये किसने कहा था? जब गांव के लोग बोल रहे थे देखो देखो कि कछुआ लटके जा रहा है, तो ये किसने कहा था? यूयम भस्म खादत, तुम तो राख खाओ। कुर्मे कछुए ने। पोरा प्रति गांव के लोगों को, गवालों को। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन मंजुषाते क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। बॉक्स में लिखे हुए शब्दों को देखकर क्रियापद पूरे करने हैं, वाक्यों में लिखना है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि, हंसों के साथ, हंसाभ्याम हंसों के साथ, कुर्मोऽपि कछुआ भी क्या कर रहा था? उड़ीयते उड़ रहा था। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड़ीयते। अहम किंचिदपि न वादयिष्यामि, वादयिष्यामि। अहम मैं, किंचिदपि कुछ भी, न वादयिष्यामि नहीं बोलूंगा, किसने कहा था? कछुए ने कहा था ना। अहम किंचिद न वादयिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यह हित कामना सुहृदम वाक्यम न, यह हित कामना जो सच्चे मन से हमारा अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, सुहृदयाम वाक्यम ने अभिनंदती, उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए, उनकी बातों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, अभिनंदती। एक है कुर्मे अपि तत्रेव, एक कछुआ अपि तत्रेव भी, तत्रेव वहाँ, एक कछुआ भी वहाँ क्या था?
प्रतिवस्ती सम रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और गंतुम जाना, तो क्या आएगा, इच्छामि चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मे, वयम गृहम नीत्वा कुर्मे, हम घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे, भक्षिष्यामि, हम कछुए को घर ले जाकर खाएंगे। काम पक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ, घटना कर्मानुसारम वाक्यम, वाक्यानि लिखत। घटना कर्मानुसारम मतलब कि जैसे जैसे इस पाठ में हमने जो पढ़ा है, जो जो घटनाएं हुई है, उनको कर्मानुसार वाक्यों में लिखना है। तो ये आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको स्टार्टिंग से करना है कि कहानी के अनुसार हमने इन वाक्यों को सही करके लिखना है, कर्मानुसार करके लिखना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट आएगा हमारा, कुर्मे हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसति सम, कछुआ और हंस एक दूसरे के साथ तालाब में रहते थे। सेकंड है, केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ गए। फिर थर्ड है, वयम सौ मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामे इति धीवरा अकथयन्, मछुआरों ने क्या कहा, हम सारे मछलियों और कछुओं को मारेंगे। कुर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति सम, अब ये सब सुनकर कछुए ने क्या कहा कि कछुआ जो था वो कहीं और जाना चाहता था। फिफ्थ है, कुर्मे हंसो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, जो कछुआ था हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से कहीं और चला। सिक्स्थ है, लम मानम कुर्मम दृष्ट्वा पोरा अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर गवाले दौड़े या पोरा दौड़े। उसके बाद पोरा का अध्ययन, पोरा गवाले कहने लगे, वयम पतितम कुर्मे खादिष्यामे, हम गिरे हुए, पतितम मतलब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कुर्मे आकाशात पतित पोरे मारिच, कछुआ जब आकाश से गिरा तो गवालों ने उसे मार दिया। तो ये हमें कहानी में जो जो घटना हुई थी उनको घटना कर्मानुसार करके लिखना है। चलिए बच्चे, ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द्वितीय पाठ है, दुर्बुद्धि विनश्यति, पूर्ण वाक्य उत्तरते, पूर्ण वाक्य यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कच्छप कुत्र गच्छम इच्छामि, कच्छप कछुआ, कुत्र यानी कहाँ, गंतुम जाना, इच्छति यानी जाना चाहता था, कछुआ कहाँ जाना चाहता था, कच्छपे हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कछुआ हंसाभ्याम हंसों सह साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और स्थाने किसी और स्थान पर गंतुम इच्छति जाना चाहता था, कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता था। कछुपे कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय दिया, क्या उपाय बोला उसने, कछुपे उपायम वदति, कछुए ने उपाय दिया, युवाम काष्ठ दंडम चंचुआ धारियतम, तुम लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना, अहम मैं काष्ठ दंड मध्य अवलंबनम युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे को बीच में से अवलंबनम लटक कर युवाभ्याम तुम दोनों के पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। कछुए ने उपाय दिया, तुम दोनों अपनी चोंच में लकड़ी के डंडे को धारण कर लेना, पकड़ लेना, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के साथ तुम्हारे पंखों के बलों से आराम से चला जाऊंगा। लंब मानम कुर्मे दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदन, लंब मानम लटके हुए कुर्मे कछुए दृष्ट्वा देखकर गोपाल का यानी गांव के लोग गवाले किम अवदन क्या बोले, लटके हुए कछुए को देखकर गवाले क्या बोले, लंब मानम कुर्मे दृष्ट्वा गोपाल का अवदन,
लटके हुए लंब मानव मतलब लटके हुए कर्कुर में कछुए दृष्ट्वा देखकर, लटके हुए कछुए को देखकर गवाले बोले हम हूँ मतलब ओहो मैदान आश्रयम मतलब बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी, कुर्मो अपि यानी कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मह मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कुर्मह कछुआ, कछुआ मित्रों के वचन सुनकर, मित्रों के वचन विस्मृत्य भूलकर, कुर्मह मित्रियो वचनम विस्मृत्य कछुआ मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर किम अवदत् क्या बोला। कुर्मे मित्रियो वचनम विस्मृत्य अवदत् कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला यूयम भस्म खादत् तुम तो राख खाओ। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।